हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की 500 से अधिक नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पर ग्रहण। शिक्षा विभाग के अधिकारी जिलों में जाकर कर रहे हैं समीक्षा। प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक पिछले दो दिनों से जिलों में जाकर शिकायतों की समीक्षा कर रहे हैं। उपनिदेशक प्रभात कुमार पंकज दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर है, जबकि आरके सिंह मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिले भेजे गए हैं। राज्य के 500 से अधिक प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में आवेदन करने वाले और अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद अब उनकी काउंसलिंग पर ग्रहण लग सकती है। इसके लिए तीसरे चरण में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग में भी अस्पष्टता नहीं दिख रही है। गौरतलब हो कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर जुलाई से ही काउंसलिंग आरंभ है। जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों ने आवेदन नहीं किए थे, वहां की नगर निकाय, प्रखंड और पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में 5 से 12 जुलाई के बीच काउंसलिंग हुई। इस दौरान करीब 20,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए, जबकि 10,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त रह गए। अगस्त में दिव्यांगों वाली नियोजन इकाई में 2 से 13 तारीख के बीच काउंसलिंग हुई। दोनों माह को मिलाकर 500 से अधिक नियोजन इकाइयों में कहीं गड़बड़ी तो कहीं बाढ़ जैसी तकनीकी कारणों से नियोजन स्थगित किया गया। तो बहुत जगह ऐसा था कि तकनीकी कारण भी था, कई जगहों पे बाढ़ आ गया, बाढ़ की वजह से भी वहाँ का नियोजन जो है नहीं हो पाया, दूसरे चरण में स्थगित किया गया। तीसरे चरण में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होना था, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग को 13 अगस्त की रिपोर्ट 12 जिलों ने नहीं भेजी है। और 13 अगस्त को जो काउंसलिंग हुई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक 22 जिलों ने नहीं भेजी है, जिसकी वजह से तीसरे चरण की काउंसलिंग जो है नहीं हो पा रही है। और लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव के कारण तीसरे चरण के काउंसलिंग पे ग्रहण लग जाए।